कपास की खेती की हुए लगभग एक महीने को पूरा होने जा रहा है। इसमें किसान भाइयों को कई बार कपास में लगने वाले रोग के बारे में पता नहीं चलता है, जिसके कारण फसल में नुकसान होता है तथा उत्पादन में भी कमी आती है। वहीं नागौर की धरती पर 4 से 5 प्रकार के रोग कॉमन होते हैं, जिसमें मुख्यतः झुलसा, विल्ट या पैराविल्ट, लाल पत्ती रोग तथा पत्ती मोड़क रोग इत्यादि हो जाते हैं। वहीं कई बार चिट्टी तथा सफ़ेद मक्खियों के कारण भी रोग हो जाते हैं, जिसमें हरा तेला, सफ़ेद मक्खी से रोग, थ्रिप्स, मिलीबग इत्यादि जैसे रोग हो जाते हैं। इसके लिए किसान भाइयों को समय समय पर कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। वहीं रस चूसक कीटों के लिए हिमिडा क्लोरोफिड 17.8% SL एसिडिटा मृफिड दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तुम कपास में मुख्यतः 3-4 प्रकार के रस चूसक कीट पाए जाते हैं, जिसमें हरा तेला है, सफ़ेद मक्की है, थ्रिप्स है और मिलीबग है। हरा तेला जब कपास के खेत में किसी भी स्थिति में कौन सी अवस्था में आ सकता है, ये रस चूसक कीट सारे ही देखा जाए तो। हरा तेला के लिए क्या, पत्तियों के नीचे से पत्तियां मुड़ जाती है नीचे की तरफ, रस चूसते हैं तो पौधा भोजन नहीं बना पाता है और उत्पादन गिर जाता है। हरे तेले के नियंत्रण के लिए आप इमिडा क्लोरोफिड 17.8% SL की 1 ml 2 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कराएं समय पर, और दूसरा स्प्रे 15 दिन बाद में वापस वो रिपीट करें। फिर बात आती है सफ़ेद मक्की की। सफ़ेद मक्की इस टाइम भी देखा जाए तो किसानों के किसान पौधे लेके आते हैं, साहब पत्तियां मुड़ गई, क्योंकि सफ़ेद मक्की के रस चूसने से कपास के पौधा ऊपर की ओर मुड़ जाता है, जैसे खोपरा होता है खोपरे की तरह हो जाता है। तो सफ़ेद मक्की का नियंत्रण भी करना जरूरी है, और सफ़ेद मक्की के लिए एसिटामिप्रिड आती है, वो 1 ग्राम 2 लीटर पानी में मिला के किसान को स्प्रे करना चाहिए। फिर आता है मिलीबग। मिलीबग में क्या है कि ये खेत में पौधे पर खुद अपना आप नहीं चढ़ता है, तनों पे चिप जाता है, सफ़ेद सफ़ेद रंग का होता है, और इसके लिए क्या करना होता है कि खेत में चिट्टियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिलीबग के जो नीचे अंडे देती है वो चिट्टियाँ उस पौधे तक पहुँचाती है, क्योंकि चिट्टियों के ये भोजन है, शहद वगैरह बनाती है। तो उसके नियंत्रण के लिए एक तो चिट्टियों को नष्ट करें, और दूसरा जो पौधे रोगी है उन पौधों को उखाड़ के और ज़मीन में गाड़ दें। फिर आती है रोग की बात, मैं उसका वो खरपतवारनाशी का प्रयोग करता है तो उसकी टंकी साफ़ करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है किसानों के लिए, महत्वपूर्ण है। पानी की टंकी पहले साफ़ करें स्प्रे करने वाले, और फिर उसमें वीडिसाइड का स्प्रे कराए। लेकिन देखा जाए तो किसानों के यूँ लगते हैं कि साहब पत्तियाँ ऊपर की ओर मुड़ी और खोपरे की तरह हो गई, तो उनको यूँ होना चाहिए कि भाई खेत में व्हाइट फ्लाई है, सफ़ेद सफ़ेद मच्छर है। तो मेरा कहने का मतलब है कृष्ण जी, किसान को हमेशा खेत में एक बार चक्कर लगाना चाहिए, ताकि उसको पता चले कि खेत में फसल की स्थिति क्या है। जैसे ही कपास की फसल में कीट या रोग या कोई पता लगे कि उत्पादन प्रभावित हो रहा है, कपास मुरझा रही है या कोई नुकसान है, तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेके समय पर उसको नियंत्रण करना चाहिए। शंकर राम सियाग, सहायक निर्देशक कृषि नागौर।